ठंड बढ़ते ही शहरवासियों के अलाव की सुविधा दी जाने लगी है। वहीं पटना के कई स्थानों पर अलाव लगाए जा रहे हैं, लेकिन जलाने के लिए जो लकड़ियां उन्हें दी जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं कच्ची हैं, जिसे जलाने में भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पटना में भीषण ठंड का कहर बरप रहा है। यहाँ पर जिलाधिकारी की तरफ से वैसे जगहों पर अलाव की व्यवस्था की जा रही है जहाँ पर ठंड है और स्थानीय लोगों को ठंड से थोड़ा बहुत निजात मिले। हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर अलाव जलाया जा रहा है और वहाँ जो लकड़ी का एक सिल्ली दिख रहा है वह जिलाधिकारी कार्यालय के द्वारा आवंटन किया हुआ लकड़ी है, जो कि जिलाधिकारी के तरफ से यह योजना हम बात करेंगे। यहाँ पर स्थानीय लोग हैं। जिलाधिकारी की तरफ से रोज गिराया जाता है? नहीं, कल ही आया। खाली कल आया है? हाँ। तो कितना लकड़ी देते हैं, कितना किलो के आसपास था? 10-15 किलो था। 25-15 किलो और जला है? हाँ, जला है, रात से जल रहा है। लकड़ी ठीक रहता है? हाँ, ठीक है था, कच्चा कच्चा था, आम वाला था, तो हम लोग किसी भी तरह जला रहे हैं उसको। तो देख रहे हैं कि कई लोग को तो इससे निजात तो मिल ही जा रहा है, लेकिन कई लोगों की शिकायत है कि चूंकि लकड़ी बहुत बड़ी और कच्चा भी रहता है सीजन के अनुसार। तो हम यहाँ बात करेंगे, एक और लोग है। कैसा लगता है आपको, जिलाधिकारी की तरफ से लकड़ी देते हैं ठीक है? ठीक है, थोड़ा कच्चा लकड़ी दे रहे हैं। अच्छा जी, उसको बांस देकर लहकाना पड़ता है हम लोग को, अपना बांस देकर। रोज देते हैं? कल से तो गिरवे किया सर। कल से जी जी, देखे पकड़ा रहे हैं, बांस देकर पकड़ा रहे हैं। आप बोलिए, कब से यहाँ? कल लकड़ी गिरी है और इससे पहले गिरता था, लेकिन इस ठंडा में कल पहली बार गिरा है। और अच्छी बात है कि हमारे डीएम साहब ने ऐसा व्यवस्था की है, जनजीवन आने जाने वाले सब लोगों की राहत मिलता है। कई जगह पर देखते हैं कि वरीय अधिकारी के यहाँ से लकड़ी आवंटन तो होता है, लेकिन कुछ कुछ वैसे पुलिस के अधिकारी, कहीं वीडियो वायरल हुआ है कि पुलिस अधिकारी ही लकड़ी जो है चोरी कर रहे हैं। ऐसा तो हम नहीं देखे जी, ऐसा हमने नहीं देखा सर की गाड़ी नहीं। फर्जी बना लकड़ी कौन चोरी करने जाएगा? लकड़ी चोरी करने का चीज है, वो रखा रहेगा तो कोई भी उठा के दूगो जला लेगा, लेकिन चोरी कौन करे जाएगा? ऐसा थोड़ी है, दिखाते हैं लोग, वो दिखाने वाला दिखा रहे, बहुत सारा यूट्यूब पे फेक न्यूज भी बना देते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा रिंकी देवी नाम हुआ। देखिए, बुजुर्ग भी यहाँ बैठे हुए हैं और खास तौर पे ऐसी अवस्था में अगर भीषण ठंड है तो कहीं ना कहीं से इनको प्रभावित तो कर ही रहा होगा शारीरिक रूप से। और ऐसे ही लोगों के लिए जिलाधिकारी के यहाँ से लकड़ियाँ जो है अलाव के रूप में हर ठंड के मौसम में व्यवस्था किया जाता है। आप बताइए, लकड़ी जल रही है, आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा लग ही रहा है, अच्छा लग रहा है। तो कल ही से दिए हैं, क्या चाहते हैं? और भी मिल जाए तो बढ़िया है, काबिल हो जाएगा। जब तक मिल जाए तो बढ़िया बात है। क्या नाम हो आपका? सुरेंद्र। जी देखिए, यहाँ पे और लोग हैं, ठंड में है, कान ढके हुए हैं, लकड़ी भी जल रहा है। हाँ, ठंड बहुत ज़्यादा है, ठंड बहुत है। तो रोज गाड़ी आती है जिलाधिकारी की? ठंड बहुत ज़्यादा। करीब करीब आपको हम फिर से दिखाएंगे कि अलाव है, लेकिन यहाँ पर जो कार्यालय से गाड़ियाँ आई हैं, गाड़ी के द्वारा जो लकड़ियाँ दी गई हैं, कहीं ना कहीं से कुछ लकड़ियों का जो हिस्सा होता है बहुत बड़ा होता है, जो जलाने के लिए घर से लोग लकड़ी लाते हैं, उसके सहयोग से ही मोटी जो लकड़ियां का सिल्ली है वह जलता है। हालांकि ठंड बहुत है, जिलाधिकारी की तरफ से यह प्रयास भी अपने आप में सराहनीय है और आने वाले समय में और भी ठंड बढ़ने की आशंका मौसम विभाग की तरफ से जारी किया जाता रहा है। अब देखना होगा जिलाधिकारी का यह सहयोग लोगों को कितना भाता है। समय पर लकड़ियाँ मिलती हैं और लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, यह तो सचमुच एक सराहनीय काम है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट।